तो दोस्तों, ये जो आप गमला देख रहे हैं वुडन स्टाइल का, इसको हमने सीमेंट से बनाया दोस्तों, अपने हाथों से। इस चैनल को विजिट कीजिएगा दोस्तों, और ऐसा सुंदर पॉट बनाने का ट्रिक आपको मिल जाएगा। तो सीमेंट और रेत का रेशियो रहेगा, वन पार्ट सीमेंट ले लेंगे और थर्ड पार्ट आप रेत ले लेंगे। उसके बाद ये हमने एक डिज़ाइन बनाया है वैसा करेंगे, और एक बाल्टी ले लेंगे, टब ले लेंगे, उसमें हमने ऑयल का लेप किया है। उसके बाद ऐसा डिज़ाइन हमने बना रहा है हाथ से, ऐसा बनाते धीरे धीरे चलेंगे ऊपर, नीचे से ऊपर की ओर, तो आसानी से ये बनता जाएगा। और थोड़ी थोड़ी देर में आप बनाते चलिएगा, जस्ट 5-5 मिनट का गैप देंगे और बनाते चलेंगे तो आसानी से ये बनता चला जाएगा। और मैं ये यहाँ तक बना लिया हूँ दोस्तों, और ये मैं कुछ डिज़ाइन बना रहा हूँ, तो हल्का सा पाउडर मैंने छिड़क लिया है सीमेंट का, और फिर हम डिज़ाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा कैसा हम वुड का जो डिज़ाइन होता है वो बना रहे हैं। उसके बाद जो इसका टेक्सचर होता है वुड का, उसके लिए हमने एक चम्मच को, जो काटा वाला चम्मच होता है वो चम्मच ले लिए हैं, और ऐसा आप देख रहे हैं वैसा उसका जो टेक्सचर है वो हम बना रहे हैं, तो आप भी ऐसा बना सकते हैं ऐसा। सभी तरफ आप बनाते चलें, और ये जो मैं जो डिज़ाइन बनाया हूँ वुड का, जिसमें हल्का सा होल रहेगा, उसका डिज़ाइन हम बना रहे हैं होल वाली। इस पॉट को बनाने में लगभग आधा घंटा लग गया था हमें। अब ये वाला जो है बन गया। अब लगभग आधा घंटे बाद, बनाने के आधा घंटे बाद हमने इसको निकाल लिया था, इस बाल्टी को, और ये 2 दिन के बाद का है। 2 दिन बाद हम इसको पूरा निकाले हैं, उसके बाद पानी में हमने डुबा के रखा था। अब 1 सप्ताह तक हम पानी में इसको डुबा के रखे थे। अब दिखा रहे हैं दोस्तों, ये पूरा बन गया है। अब हम वक्त आ चुका है इसको पेंट करने का, तो हम पेंट कैसे करते हैं वो भी बता रहे हैं। फैब्रिक कलर हम यूज़ करते हैं, और सबसे पहले ये ब्लैक कलर को हम सारे तरफ पुताई कर रहे हैं। ब्लैक कलर को आप देख रहे हैं, सब तरफ ब्लैक कलर का पुताई कर दें। हल्का पानी मिलाते चलें तो जल्दी वो मिक्स हो जाएगा, और अंदर वो सोख लेता है, जिससे कभी निकलेगा नहीं। उसके बाद हल्का ब्राउन कलर ले लेंगे और टेक्सचर बनाते चलेंगे, हल्की ब्रश से करेंगे इसको। तो आप देख रहे हैं कैसा बना रहे हैं हम, सब बनाते चलिएगा सभी तरफ। और हल्का सा ब्राउन और ले लेंगे, और ब्राउन में हम वाइट मिलाए दोस्तों, तो ये वाली कलर बन गया। ऊपर जो लकड़ी कुछ काटते हैं तो अंदर का जो हिस्सा होता है वो कलर हमने बनाया है, ये देखिएगा। तो हम इस पॉट को ऐसा दर्शाएं कि लकड़ी को काट के उसको खोद के हम इसमें प्लांट लगाएंगे, ऐसा हमने दिखाने की कोशिश किया है दोस्तों। तो देखिएगा ये पॉट कैसा बन रहा है, कमेंट जरूर कीजिएगा। अब ऊपर से और हल्का सा वाइट का टेक्सचर हम दे रहे हैं लकड़ी में, तो आगे देखिएगा कैसा ये टेक्सचर बनता है वुड का। पेंट करने में भी लगभग वो आधा घंटा लग गया था हमें। तो उसके बाद हमने लगभग 15 दिन बाद फिर से इसमें एक पौधा हम लगाए हैं दोस्तों। और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आप तक मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।